भोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आजकल हर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। उनके काम और मेहनत की वजह से वह आज हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो वह पहले केवल सोचा करते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 2023 में भोजपुरी के इन दोनों ही सुपरस्टारों का घर कहां कहां पर है और सबसे महंगा घर किसका है। आपको 100% सच्चाई के साथ बताएंगे और दिखाएंगे भी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी के घर के बारे में। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि मुंबई में घर लेना और ऊपर से एक खुद का आलीशान घर लेना कितनी बड़ी बात होती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों के पावर स्टार पवन सिंह जी का मुंबई में एक आलीशान बंगला है जिसका वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह मुंबई के लोखंडवाला में है। इस मकान की कीमत तकरीबन बताई जाती है 15 से 20 करोड़ रुपए, जो कि यह मकान 4 BHK का फ्लैट है। पवन सिंह जी मुंबई में इस बंगले के साथ साथ एक मर्सिडीज कंपनी की कार को भी खरीदा था जिसका नाम मर्सिडीज बेंज GLE 250D मॉडल है। इसका भी इमेज आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दोनों ही चीजें मुंबई में पवन सिंह जी ने जब खरीदी थी तो पूजा करते समय इसका पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तो जैसा कि हमें पता है कि पवन सिंह जी का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ है, तो आरा में भी उनका एक आलीशान घर है। इस घर का नाम नीलम निवास बताया जाता है जो कि पवन सिंह जी के पहली पत्नी के नाम पर रखा गया है। तो पवन सिंह जी के वर्तमान में केवल दो ही घर हैं, एक आरा में और एक मुंबई में जो कि लोखंडवाला में है। चलिए अब बात कर लेते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के घर के बारे में। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का भी एक मुंबई में आलीशान बंगला है जिसका वीडियो आप लोग देख रहे हैं। यह मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद है। बांद्रा इलाका मुंबई का काफी पोर्स एरिया माना जाता है और इसके साथ साथ साफ सुथरा भी। तो मुंबई के बांद्रा इलाके में खेसारी लाल यादव का एक 3 मंजिला बंगला है जिसकी कीमत आज के समय में तकरीबन 10 से 20 करोड़ रुपए की बताई जाती है। मुंबई में एक मकान के साथ साथ खेसारी लाल यादव का पटना में भी उनका एक आलीशान घर है। इसके साथ साथ खेसारी लाल यादव अपनी जन्मभूमि बिहार में भी एक नए मकान का काम लगवा चुके हैं और उस मकान की लागत तकरीबन बताई जाती है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए की लागत से इस मकान का निर्माण करवाया जा रहा है और आए दिनों खेसारी लाल यादव का सोशल मीडिया पर वीडियोस काफी वायरल होते हैं जब वह इस नए घर का निरीक्षण करने अपने पिता के साथ पहुंचते हैं। तो 2023 तक में खेसारी लाल यादव का तीसरा घर का निर्माण होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आप लोग भोजपुरी के ये दोनों ही सुपरस्टारों के घर से रूबरू हो गए होंगे। यदि आपको भी पता चल गया है कि भोजपुरी में सबसे महंगा घर किसका है और किसका बनने जा रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में यदि आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।